हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स का एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर वन। चैप्टर वन का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये पार्ट वन है। इसमें से हम लोग जानेंगे मेनली सोलर सिस्टम का डेफिनेशंस। ये जो सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा है इसका डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद अर्थ का डेफिनेशंस हम लोग जानेंगे कि आखिर अर्थ क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मून क्या होता है और ये कभी फुल मून कैसे हो जाता है, जिसको हम लोग पूर्णिमा भी कहते हैं। और उसके बाद ये न्यू मून होता है और उसे हम लोग अमावस्या भी बोलते हैं, जिसके रात में पूरा क्लियर नाइट होती है। उसके बाद दिन में हमें तारे और चांद, दैट मीन्स मून, क्यों नहीं दिखाई देते हैं, वो भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि स्टार्स क्या होते हैं और सन भी एक प्रकार का स्टार है, ये सारा कुछ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम दैट मीन्स सौर परिवार क्या है। तो बता दें कि सौर परिवार किसी एक ग्रह का नाम नहीं है, किसी एक प्लैनेट का नाम नहीं है, किसी एक ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। सोलर सिस्टम जो है द कलेक्ट ऑफ एट प्लैनेट्स, आठ ग्रह का समूह एंड दियर मून्स, और इनके जो चांद होते हैं इन ऑर्बिट अराउंड द सन, उस सब के सब सन के चारों तरफ घूमते हैं। टुगेदर विथ स्मॉलर बॉडीज, उनके साथ साथ कुछ छोटे बॉडीज भी होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉइड होते हैं, मेट्रोइड्स होते हैं और कमेट्स होते हैं। ये सारे साथ में सूर्य का परिक्रमा करते हैं, उनके चारों तरफ घूमते हैं। तो ये मिला करके सोलर सिस्टम है। जैसे में ये सन है और ये आपका हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आठ ग्रह और इनके साथ साथ मेट्रोइड्स, एस्ट्रॉइड्स और कमेट्स, सब के सब मिला करके ये सौर परिवार कहलाता है, सोलर सिस्टम कहलाता है। ये सारे इसके परिक्रमा करते हैं। तो ये हमारा रहा सोलर सिस्टम। इसके बाद अभी हम लोग जानेंगे सोलर सिस्टम में ही अर्थ यहीं पर है, ये तीसरे नंबर में ये अर्थ है। तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जो अर्थ है इनकी क्या क्या भूमिका, इनका क्या क्या रोल है, यहाँ से क्या क्या हम लोगों को पता चलता है, ये हम लोग जानेंगे। तो यहीं से निकला हुआ अर्थ है, अर्थ जिस पर हम और आप रह रहे हैं, घर बनाए हैं और अभी ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं तो अर्थ पर हैं। और आगे इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, जब शाम होती है, सूर्य डूब जाती है, सनसेट हो जाती है, तो आकाश का नज़ारा किस प्रकार से होता है। देखेंगे कि जैसे ही शाम हो गया, सूर्य डूब गई, तो आपको दो चार तीन चार पाँच तारे दिखाई देते हैं, लेकिन सुन बहुत ही जल्दी ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में बदल जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्स आ जाते हैं, अनगिनत काउंटलेस स्टार आ जाते हैं। तो देखने में कितना खूबसूरत लगता है, लगता है जैसे हम देखते रहे रात में, क्योंकि सो मैनी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ डिम होते हैं, लेकिन चमकते सारे हैं रात में और देखने में बिल्कुल बहुत बढ़िया लगता है। जैसे में स्टार्स भी हैं, कॉन्स्टेलेशंस भी होते हैं स्काई में और उनके साथ मून भी होते हैं। तो आखिर कुछ ब्राइट करते हैं और कुछ डिम करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो जो ब्राइट करते हैं, जो चमकते हैं, वो मेनली हमारे स्टार्स होते हैं। ज़्यादातर रातों में चमकते ही दिखाई देते हैं स्टार्स, क्योंकि कभी कभी बादल आ जाते हैं तो चमकते नहीं हैं। साथ ही साथ मून भी हमेशा महीने में 30 डेज में लगभग दिखाई देता है, 25, और कभी कभी गर्मी के दिनों में तो पूरे पूरे दिखाई देता है, क्योंकि बरसात में कभी कभी क्या होता है कि बादल और पानी के वजह से सूर्य जो हमारा मून है वो दिखाई नहीं देता है। तो और जो डिम होते हैं वो कौन से होते हैं? तो हमारे स्टार्स नहीं होते हैं, वो होते हैं क्या? तो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं, जो हमें डिम टाइप से थोड़ा दिखाई देते हैं, डॉट डॉट एक पैटर्न बनाते हैं बीए टाइप से। इसको भी हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मून क्या होता है। तो मून पता है आप लोगों का कि ये जो अर्थ है, अर्थ का परिक्रमा जो करता है वो मून कहलाता है। अर्थ का एक ही मून है, जो मून है वो अर्थ का परिक्रमा करता है और परिक्रमा करने के साथ साथ अर्थ के साथ साथ सन का भी परिक्रमा करता है, वो मून कहलाता है। तो महीने में एक बार फुल मून आता है, जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, और महीने में एक बार न्यू मून दिखाई देता है, तो उसे हम लोग अमावस्या भी बोलते हैं। और उस रात जो है पूरा क्लियर नाइट होती है, साफ रातें होती है, जो पूरा साफ दिखाई देता है, सारे तारे दिखाई देते हैं और बहुत अच्छा लगता है उस रात को देखने में। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जो मून है वो पूरा मून, फुल मून क्यों दिखाई देता है हमको किसी किसी रात में, और किसी किसी रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, अमावस्या होता है, ऐसा
क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए ये करेंगे, मान लीजिए ये जो हमारा कैमरा है ये सन है, और ये मेरा जो बॉडी है ये फेस है, ये अर्थ पर खड़ी है, और ये जो मार्कर है ये हमारा ये चांद है, दैट मीन्स ये मून है। तो होता क्या है कि जब ये मून पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और हम यहाँ से देख रहे होते हैं, तो होता क्या है कि मेनली सूर्य का जो प्रकाश आता है इससे पूरा पूरा ये ब्लॉक हो जाता है, ये पूरा पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और दिखाई नहीं देता है तो ये अमावस्या कहलाता है, अमावस्या। और ये जब धीरे से थोड़ा सा इसे कर्व होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो ये नया चांद दिखाई दिया। फिर इस प्रकार से ये घूमते घूमते बिल्कुल जब ये यहाँ जाती है तो हम पृथ्वी पर खड़े हैं और ये चांद है, तो उधर से लाइट आती है तो ये पूरा पूरा दिखाई देता है, और ये फुल मून है जिसको हम लोग पूर्णिमा भी कहते हैं। और फिर इधर से धीरे धीरे चांद का साइज जो हम लोगों को दिखाई देता है ये छोटा होना शुरू हो जाता है, और इस प्रकार से फिर यहाँ आते आते फिर से ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया दैट मीन्स पूरा क्लियर, दैट मीन्स ये हमारा हो गया अमावस्या जिसको हम लोग न्यू मून भी कहते हैं, ये पूरा पूरा ब्लॉक हो गया, दिखाई हमें नहीं दे रहा है, फिर यहाँ से न्यू मून स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से जो है मून कंप्लीट मून दिखाई देता है जिसको पूर्णिमा बोलते हैं, और जब न्यू मून दिखाई देता है थोड़ा सा दिखाई देता है तो उसे हम लोग अमावस्या भी बोलते हैं, और क्लियर नाइट होती है ये फोर्ट नाइट होता है, फोर्ट नाइट का मतलब दो सप्ताह को फोर्ट नाइट बोलते हैं, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो होता क्या है कि अमावस्या जो है फोर्ट नाइट के बाद आता है, सप्ताह दिन के दो सप्ते 14 दिन के बाद ये आते हैं, ऑलमोस्ट 15 दिन आप मानेंगे 15 डेज, और 15 डेज के बाद ये आते हैं। इस प्रकार से एक महीने में फुल नाइट और एक महीने में ही ये जो है न्यू मून दिखाई देता है। इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे कि वाई कांट वी सी मून एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में तारे और जो मून है और कुछ अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हो जो होते हैं जो रात में चमकते हैं वो दिन में हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका सीधा सा सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश आती है, उनकी किरण आती है, जिसके वजह से ये जो स्टार्स हैं और ये जो मून है तो इनके लाइट छोटे छोटे नहीं दिखते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग यह कह सकते हैं कि जैसे सामने में एक बहुत बड़ा हैलोजन जला दें और हैलोजन के सामने छोटा छोटा आप क्या करें कि बल्ब जला दें, वो जो आता है ना छोटा छोटा बल्ब टाइप से वो भगभग जला के रख दे, तो आपको कौन सा दिखाई देगा, जो हैलोजन है वो दिखाई देगा, जो छोटा छोटा यहाँ पर बल्ब आप जला के रखें वो दिखाई नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार है कि जो सन का प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है, हैवी मात्रा में आता है, और ये जो छोटे छोटे स्टार है ये सब छुप जाता है इसमें से, इसलिए हमें दिन में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। क्या क्या नहीं दिखा देते हैं, मून नहीं दिखाई देते हैं, और कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स जो नाइट में शाइनिंग करते हैं स्टार्स वगैरह हो गए वो सब दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि जो स्टार्स है वो बहुत दूर है, स्टार जो है हमारा सन से भी बड़ा है, कई मिलियंस उसका साइज बड़ा है स्टार्स का, लेकिन फिर भी वो छोटा से देखता है सूर्य के बजाय। क्यों ऐसा, क्योंकि जो सन है वो हमारे नज़दीक है, वो भी एक प्रकार का स्टार है, सन जो है हमारे नज़दीक है, और जो स्टार्स हैं वो बहुत दूर है, मिलियंस किलोमीटर फार अवे हैं फ्रॉम द सन, इसलिए वो बिल्कुल छोटे मात्रा में दिखाई देते हैं। इसके बाद अभी हम लोग जानेंगे कि जो सूर्य है, मून है और अदर ऑब्जेक्ट्स है शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, कहने का अर्थ ये कि जितने सारे जो साइन करते हैं आकाश में, दैट मीन्स रात में, जैसे स्टार्स वगैरह हो गए, और सूरज का प्रकाश तो हमेशा साइन करता है, रात हो चाहे दिन हो कभी ऑफ नहीं होता है, हम और ऑफ रात में पहुंच जाते हैं जब पृथ्वी घूमती है तो, लेकिन सूर्य हमेशा चमकता रहता है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा सन है, मून है और अदर ऑब्जेक्ट्स जो है शाइनिंग कर रहे हैं नाइट स्काई में, उसे हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, उसी को बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग अभी पहुँचेंगे, सम सेलेस्टियल बॉडीज, तो उन्हीं में से कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो बड़े होते हैं और होट होते हैं, जो गैसों से बने होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो बड़े होते हैं और होट होते हैं और गैसों से बने होते हैं, और दे हैव ओन हीट, और उनके पास अपना हीट होता है और अपना लाइट होता है, जिसको हम लोग स्टार्स भी बोलते हैं। तो जिनके पास अपना हीट और अपना लाइट होता है और बहुत बड़े मात्रा में होते हैं उन्हें हम लोग स्टार्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे कि जो सन है हमारा, सूर्य है, वो भी एक प्रकार का स्टार्स है, लेकिन ये हमारे नियरेस्ट है इसीलिए बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन ये जो स्टार्स हैं उनके बजाय ये छोटा है, फिर भी बड़ा दिखता है क्योंकि नज़दीक में है, और जो स्टार्स है वो बहुत दूर है। आप लोग देखे होंगे कि जो हवाई जहाज़ रहता है, एरोप्लेन रहता है, वो कितना बड़ा उसका साइज रहता है सामने से आप देखेंगे तो, लेकिन जब वो स्काई में उड़ते रहते हैं, फ्लाई करते हैं, तो हम लोगों को एक चिड़िया के समान दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत दूर है। ठीक उसी प्रकार स्टार बहुत दूर है सूर्य के वजह, इसके वजह से छोटा दिखाई देते हैं। तो ये रहा हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 रहा, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट लाएंगे।